पंडित जी, आप कह रहे हैं नवरात्र में भी, जो हम नवरात्र पूजा की भी बात कर रहे थे, तो आरती बिना वो पूजा संपन्न नहीं होती, आपने नियम भी बताए थे। माँ विंध्यवासिनी की भी पूजा का वैसा ही, आरती उतारने का बहुत महत्व होगा, बहुत महत्व, उसके बिना भी पूर्ण नहीं होती होगी। चार बार माता की जो है श्रृंगार आरती होती है, भारत में किसी मंदिर में चार श्रृंगार आरती नहीं होती है। एक के बाद एक नहीं, एक होती है 5 बजे सुबह, अच्छा 4 बजे से 5 बजे सुबह, इसको कहते हैं मंगला आरती। अच्छा। कहावत है कि जो देखे मंगला वो न रहे कंगला, चाहे जितना भी गरीबी की मार से मर रहा हो आदमी, लेकिन अगर 4 बजे भोर में गंगा स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त हो, गंगा स्नान करके और माँ की मंगला आरती में सम्मिलित हो जाए, तो चाहे जितना बड़ा ऋण रोग दरिद्रता से ग्रसित होगा, चाहे जितना ज़्यादा ग्रहों के उल्टे चाल उसके जीवन में होंगे, सब ठीक हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। कितने बजे होती है पंडित जी सुबह? 4 से 5 बजे के बीच। जो देखे मंगला वो न रहे कंगला, ये एकदम कहावत चरितार्थ है। दूसरी आरती माता की होती है 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में। इस आरती को देखने का भी अपना बहुत महत्व है। इसके बाद तीसरी आरती होती है माता की 7:30 बजे शाम से 8 बजे तक, ये भी आरती देखने का माता का बहुत महात्म है। और तीसरी आरती जो माता की, चौथी आरती जो माता की होती है, रात 9:30 से 10:30 बजे के बीच होती है। कितने से पंडित जी? 9:30 से 10:30 बजे अच्छा, के बीच। इस आरती को जब आप देखेंगी तो माता का पूरा स्वरूप बदला हुआ आपको नजर आएगा। वो लाल लाल आंखें, वो मतलब कि जो है भ्रिकुटी तनी हुई, और वो तेजस्वी मुद्रा में माता होती हैं उस श्रृंगार से, कैसे लगता है कि जैसे पूरे संसार को एक मिनट में रौंद डालेंगी। और 12 बजे रात तक दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलता है, 12 बजे के बाद माता के शयन की व्यवस्था कर दी जाती है। और नवरात्रों में हर समय 24 घंटे दर्शन पूजन की व्यवस्था रहती है, नवरात्र में रात्रि में मंदिर बंद नहीं होता है। हाँ, केवल श्रृंगार के लिए वही 9:30 से 10:30 दर्शकों के लिए बंद होता है। पूरी रात मंदिर, पूरी रात मंदिर खुली रहती है और पूरी रात दर्शन होता है।